हेलो दोस्तों, जो भी शेयर मार्केट में आते हैं उनकी एक ही इच्छा रहती है दोस्तों कि हमें कोई 1 रुपया 2 रुपया या 5 रुपया या 10 रुपये का स्टॉक मिल जाए जो हमारे आने वाले फ्यूचर में उसका प्राइस बहुत बढ़ जाए। मान लीजिए कि उसका 1 रुपया का स्टॉक अगर 1000 हो जाता है तो दोस्तों वो लगभग करोड़पति बनने के आसपास आ जाता है, ठीक है। तो वो सोचता है कि मुझे कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए, लेकिन कैसे मिलेगा, कैसे, हाउ टू डू इट। तो आज मैं आप लोगों को दोस्तों एक किताब बताने वाला हूँ जिसमें आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा, कब खरीदना है, कब बेचना है और क्या खरीदना है, कौन सी कंपनी खरीदना है, सब एक बताया जाएगा। तो मैं आपको किताब ही बता देता हूँ कौन सी ऐसी बुक है जो आपको बिल्कुल देखना चाहिए, हर एक चीज़ आपको बता दिया जाएगा उसमें, ठीक है। तो स्टॉक बुक का नाम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट। कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट का मतलब आप समझ ही गए होंगे। कॉमन स्टॉक मतलब एक नॉर्मल छोटा सा स्टॉक, उसका जिसका वैल्यू 5 या 10 रुपये के आसपास है, ठीक है, 5 या 10 रुपये के आसपास है। और हो सकता है दोस्तों एक छोटा सा स्टॉक आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, ठीक है। तो आप बुक का हेडिंग देख के तो आप समझ गए, ठीक है। अगर आपको बुक देखना है तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो बुक है आप सर्च मार सकते हैं इंटरनेट में, और सर्च मारने के बाद जो है आप लेके पढ़ भी सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो बुक के आगे मैं कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन उसका पावर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुक का पावर क्या होता है, ठीक है। ये हैं दोस्तों वॉरेन बफेट, ठीक है। इनके पास इतना पैसा है, शेयर मार्केट से इन्होंने इतना पैसा कमाया कि शायद बोला जाता है कि हमारी पूरी फैमिली मिल के भी उसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। करोड़ों में नहीं है, लाखों में नहीं है, मतलब अरबों में भी नहीं है दोस्तों, बहुत है, मिलियन में आ जाता है, ठीक है। तो आप पूछेंगे भाई इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से, क्यों, अब देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, वॉरेन बफेट बोलते हैं रीड रीड एंड रीड, मतलब आपको कुछ भी करना है तो रीड रीड एंड रीड, मतलब कुछ भी करने से पहले आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, वॉरेन बफेट इतना पैसा कमाए हैं तो ये कितने देर पढ़ते हैं, मैं देख लेते, ठीक है। वॉरेन बफेट सेज ही रीड ए मिनिमम ऑफ 5 to 6 hours ए डे, एक दिन के अंदर में वो 5 या 6 घंटे केवल बुक्स पढ़ते हैं, 5 या 6 घंटे। हमारे पास तो दोस्तों 5 या 6 घंटे शायद रहते ही नहीं है, केवल 1 घंटा निकाल ले तो भी बहुत है, लेकिन वो भी नहीं मिलता। तो सोचिए, दुनिया के रिचेस्ट मैन है ये, वो भी शेयर मार्केट से पैसा कमाने वाले, जो पूरा मान लेते हैं कि दोस्तों 6 घंटे बुक्स पढ़ते हैं, उनके बाद अगर हम मान लेते हैं दूसरे, एक मिनट, और ये है राकेश झुनझुनवाला, इनको कौन नहीं जानता, आप भी जानते हो दोस्तों, सब लोग जानते हैं, ठीक है। ये राकेश झुनझुनवाला, ये दोस्तों CA है। CA का मतलब क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्तों 100 में से केवल 15 लोग ही पास हो पाते हैं, ठीक है। 15 लोग मतलब कि दोस्तों 15% जितना भी हो, आप देख सकते हो अगर 100 लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो केवल 15 लोग ही पास हो पाएंगे। आप जाके अपने वेबसाइट में, इंटरनेट में, हर एक जगह में आप सर्च कर सकते हो जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो सोचिए, ये CA है और ये भी अभी भी जो है बुक्स पढ़ते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, ठीक है। ये तो दोस्तों ये भी शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा कमाए हैं, करोड़ से भी ज़्यादा है, अरबों में आ जाते हैं। और उसके बाद है ये विजय खेड़िया दोस्तों, ठीक है। विजय खेड़िया ये देख सकते हैं, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा, आप मतलब बिलीव नहीं कर पाओगे, ये वो विजय खेड़िया है जिन्होंने 35,000 को 400 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया। 35,000, कुछ लोग मार्केट में आते हैं 50,000 लेके बोलते हैं, यार कुछ नहीं होगा, 50,000 ही तो है, क्या होगा इससे, लेकिन पैसे का पावर नहीं होता यार। पैसा तो हर एक गली से, कोने से, पानी से, आसमान से भी आ सकता है, लेकिन रहना क्या चाहिए, दिमाग रहना चाहिए। कोई सोच भी नहीं सकता आज की डेट में कि दोस्तों केवल 35,000 से इन्होंने दोस्तों 400 करोड़ बना लिया। आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हो, गूगल आपके पास है, ठीक है। इनका नाम है विजय खेड़िया दोस्तों, ये कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ने में एक्सपर्ट है, और ये बैलेंस शीट मतलब हर एक बैलेंस शीट पढ़ते हैं, बुक्स जो भी मिलता है दोस्तों सब पढ़ते हैं। इनके बारे में भी आप देख सकते हो, नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, नाम भी यहाँ पर भी दिख रहा है आपको। तो ये तीनों वो शख्स है दोस्तों जिन्होंने मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। सॉरी दोस्तों, थोड़ा पिक्चर उल्टा हो गया है, क्योंकि ये बुक जो है इंटरनेट में नहीं मिल पा रहा था, इसका स्क्रीनशॉट तो मैंने इसका खुद घर में था, तो वहाँ से मैं आपको सोचा बता दूँ, ठीक है। तो ये बुक में यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये बुक में आपको बताया जा रहा है व्हाट टू बाय, मतलब क्या खरीदना है। हमें पता ही नहीं चलता फार्मा सेक्टर में खरीदना है, या मान लीजिए कि ऑटो इंडस्ट्री में खरीदना है, या कौन सा स्टॉक खरीदना है, हमें पता ही नहीं चलता दोस्तों। यहाँ पर आपको इस बुक में बताया जाएगा कि आपको क्या खरीदना है, और यहाँ पर देख लीजिए आपको 15 प्रिंसिपल भी आपको बता रहा है कि ये 15 चीज़ें आपको नोट करना चाहिए स्टॉक खरीदने के टाइम। अब बताइए, राकेश झुनझुनवाला ने 2 रुपया का टाइटन स्टॉक खरीदा था, ठीक है, और बेचा था 2000 रुपये में।
क्या उनको पता था, उनके माइंड में आया था या सपने में आया था कि ये स्टॉक यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाएगा? नहीं, ये सब दोस्तों नॉलेज बेस्ड होता है। आपके पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना ज़्यादा आप अच्छे से अच्छा पैसा कमा लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉमन स्टॉक में आप अच्छे से अच्छे पैसा कमा लोगे। और व्हाट टू बाय, क्या खरीदना है, सबसे पहले चीज़ तो वो बताया जाएगा आपको। और बहुत लोगों के साथ तो ऐसा भी हुआ होगा कि दोस्तों उन्होंने स्टॉक खरीद लिया, ठीक है। स्टॉक खरीदने के बाद क्या होता है उनको पता ही नहीं चलता, सेल कब करना है। मान लीजिए उनके हाथ में कोई 100 रुपीज़ का स्टॉक लग गया, ठीक है, 100 रुपीज़ का स्टॉक लग गया, या 1000 रुपीज़ का दोस्तों ISETC लग गया, ठीक है। अब वो ISETC का प्राइस 2000 रुपीज़ चल गया, बेचना कब है हमें पता ही नहीं। और फिर से दोस्तों ये स्टॉक जो है 2000 से रिटर्न आ जाता है 1000 रुपीज़ पे। अब लोग सोचते हैं कि मेरा लॉस हो रहा है, क्यों सोचते हैं ऐसा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कब सेल करना। तो ये बुक में आपको ये भी बताया जाएगा कि स्टॉक को सेल कब करना है, तो ये, और उसके बाद ये आपको चार्ट भी बताया जाएगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, चार्ट में भी आपको बताया जाएगा कि आपको कब यहाँ से स्टॉक में से निकलना है, ठीक है। ये ग्रोथ टाइप में आपको बताया जाएगा, तो ये मैं आपको डेमो बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप वो बुक में पूरी नॉलेज ले सकते हैं दोस्तों। ये पिक्चर लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो यहाँ पर सही है, ठीक है। अब दोस्तों हमें ये भी नहीं पता चलता है खरीदना कब है। मान लीजिए एक स्टॉक का प्राइस ऐसे ऐसे अप डाउन हो रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ पर जब ये प्राइस था तो दोस्तों यहाँ पर 10 रुपये के भाव में था, और यहाँ पर मान लीजिए कि 15 है, ठीक है। इस प्राइस पर दोस्तों हमें 15 मिला, और यहाँ पर जो है दोस्तों हो सकता है कि 20 रुपीज़ हो गया, लेकिन हमें पता ही नहीं चला ये 10 रुपये के भाव में खरीदना है या 15 रुपीज़ के भाव में खरीदना है या 20 रुपीज़ के भाव में खरीदना है, हमें पता ही नहीं चलता। हम क्या करते हैं दोस्तों, आँख बंद करते हैं, स्टॉक अगर ऊपर जा रहा खरीद लो, नीचे जा रहा बेच दो, ऊपर जा रहा नहीं, तो हम इसमें क्या होता है घबरा जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं रहता। तो ये बुक में आपको दोस्तों इतनी सारी नॉलेज मिलेगी, और मैंने आपको डिट्टो फाइंड करके दिखाया दोस्तों, फाइंड आउट करके दिखाया कि कौन से मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है, ठीक है। नीचे में अगर आप देखोगे तो बुक के साथ यहाँ पर आपको 89 पेज नंबर भी आपको बताया जा रहा है, ठीक है। देख लो, पेज नंबर भी बताया जा रहा, बुक का नाम मैंने आपको दिखा दिया, बुक का थीम भी मैंने आपको दिखा दिया, वो आप सब कुछ देख सकते हो। और ऊपर से आपको जो है चार्ट में भी दिखाया जाएगा दोस्तों मार्केट का प्राइस का ट्रेंड क्या चल रहा है, कब यहाँ पर दोस्तों कौन सा मार्केट में कौन सा स्टॉक जो है गिर जाएगा या यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, तो दोस्तों आपको ये बुक पढ़ना है। ये कौन सा बुक है यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये वॉरेन बफेट का फेवरेट बुक में से एक है दोस्तों। वॉरेन बफेट जिन्होंने मार्केट से सबसे ज़्यादा पैसा कमाया, ठीक है। हम सलाह किससे लेते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे हमें सलाह लेनी चाहिए या उन लोगों से जो अपने लाइफ में फेल होते आए हैं, ठीक है। लगभग तो हम अगर आप देखेंगे तो दोस्तों जो लोग मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, लेकिन हमने कभी भी बड़ों की मान लीजिए कोई अगर स्पीच दे रहा है तो उनका स्पीच नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश में होता है तो हमें सुनने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद बोलने में हिचकिचाहट होती है क्योंकि हमें समझ में नहीं आता। लेकिन क्या आपने सोचा, वो जो भी बोल रहा है पूरी पब्लिक सुन रही है, मतलब कुछ तो ऐसा चीज है, वैल्यूएबल थिंक है जो सब लोग सुन रहे हैं। तो वो सारी नॉलेज दोस्तों आपको ये स्टॉक ये बुक में मिल जाएगा, कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट। उसके बाद ऑटोमेटिक आप स्टॉक ढूंढना स्टार्ट कर दोगे, यस बैंक स्टॉक अच्छा है, PC ज्वेलरी अच्छा है, या उसकी जगह में और बजाज फिनसर अच्छा है, HDFC बैंक अच्छा है, या मारुति सुजुकी, सब आपको पता चल जाएगा कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। और सारी नॉलेज दोस्तों इतना याद रखिएगा, बुक से आती है और कहीं से नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर बुक आपको अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा। अगर आप और कोई बुक के बारे में जानना चाहते हैं, इससे भी अच्छी बुक आपको चाहिए तो दोस्तों उसके बारे में भी हम बताएंगे, आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आने वाला वीडियो मिस ना हो सके।